हैदराबाद में स्ट्रीट फूड के यहाँ से मोमोज खाने के कारण एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम और उनके दो बच्चों ने खैराबाद में मोमोज स्टॉल से 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। कुछ देर बाद तीनों को डायरिया, पेट में दर्द, उल्टी होने लगी। 27 अक्टूबर को इलाज के दौरान रेशमा की मौत हो गई। उनके बच्चों का अभी भी इलाज चल रहा है। रेशमा सिंगल मदर थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अन्य लोगों को भी इस मोमोस स्टॉल की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई। पुलिस ने बताया कि इन 20 से 15 मामलों की शिकायत मंगलवार को दर्ज की गई। रेशमा बेगम के परिवार की शिकायत दर्ज होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और पुलिस ने मोमोज का स्टॉल चलाने वाले दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला करते हुए बताया कि वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस भी नहीं था।